सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप फिटनेस। गाइस बहुत से व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि उनके लिए एक वीडियो बनाऊं अबाउट हाउ टू फिक्स हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग, क्या फूड यूज़ करना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए टू गेट हेल्दी हेयर। गाइस अगर आप भी हेयर लॉस और थिनिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें टिल द एंड। गाइस बाल हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी 40% लुक बालों पे डिपेंड करती है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको हेयर लॉस हो रहा है या नहीं। हेयर थिनिंग चेक करने के लिए आप अपने बालों को हाथ की उंगलियों से स्ट्रेच करें। खींचने के बाद अगर आपके हाथ में 5 से ज़्यादा बाल टूटकर आएं तो आपको हेयर लॉस का खतरा है। गाइस आप इसे अभी ट्राई करें और देखें कि क्या आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर 1 से 2 बाल आता है तो कोई टेंशन नहीं है। गाइस बालों का थिनर होने के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन। आप सही डाइट नहीं लेते हैं तो इससे बाल थिन हो सकते हैं। बालों का झड़ना न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको हेयर हेल्दी करने के लिए किसी हेयर सप्लीमेंट की नहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तभी आप इस प्रॉब्लम से रिकवर हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन न्यूट्रिशन टिप्स की या डाइट चेंजेस की जिनसे आप अपने हेयर फॉल को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है क्योंकि प्रोटीन से हेयर हेल्दी होते हैं। अमीनो एसिड बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो टूटे ना। आप चिकन, फिश, एग वाइट, सोयाबीन, डेरी, टोफू, नट्स, पनीर, बीन्स, योगर्ट जैसे प्रोटीन फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जो हेयर को स्ट्रांग रखने में हेल्पफुल है। नंबर 2, ओमेगा 3। गाइस ओमेगा 3 आपके स्कैल्प के लिए अच्छा है। ये ड्राई स्कैल्प के लिए ओमेगा 3 एक अच्छा सोर्स है। आप फिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, नट्स, पीनट्स, कैश्यूज, आमंड्स जैसे सोर्सेज से ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हैं और अपने स्काल्प को ड्राइनेस और इचीनेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आपको आयरन रिच डाइट कंज्यूम करनी है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपके बाल हेल्दी नहीं हो सकते। आयरन के लिए आप चिकन, मीट, फिश, स्पिनच, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी आयरन की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। नंबर 4, विटामिन सी। गाइस विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है और इसके साथ साथ ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में बेनिफिशियल है। अगर आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं तो विटामिन सी उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। आप ऑरेंज, लेमन, पोटैटोज से विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी के बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो देखें टॉप 5 यूजेज ऑफ चीपेस्ट विटामिन सी सेलिन 500, जिसका लिंक आई आइकन और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नंबर 5, बायोटिन। बायोटिन हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मीट, एग वाइट्स, वॉलनट्स से बायोटिन कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस तो ये थे कुछ न्यूट्रिशन टिप्स जिन्हें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप हेयर जेल, ब्रिल क्रीम्स या हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं तो रात को सोने से पहले एक बार हेयर वॉश कर लें। आप अपने स्काल्प को मसाज भी कर सकते हैं विद कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल। मसाज करने से स्काल्प पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है जिससे न्यूट्रिएंट्स स्काल्प पे फास्टर रेट से काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की टू फिक्स हेयर फॉल। गाइस अगर आप हेयर स्टाइलिंग के लिए ब्लो ड्रायर्स या स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ ना करें क्योंकि उससे बाल हीटअप हो जाते हैं और डैमेज होते हैं। अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें और बालों को रेगुलरली वॉश ना करें। 2 या 3 दिन छोड़कर ही बालों को धोएं। आप कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और कोई ड्रग या स्टीरॉयड को यूज़ ना करें। गाइस अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे और इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो आपको 30 से 40 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे। हेयर फॉल को फिक्स करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, आप इसे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से ही फिक्स कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप फिटनेस ताकि आप और ऐसी वीडियोस के बारे में जान पाएँ। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।